नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं आरजे स्वयंप्रभा। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दर्द होता है जिससे हमें बहुत प्यार भी होता है। आप कहेंगे दर्द से प्यार, तो भाई कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस कविता के माध्यम से। 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए, घर पर रहने लगे। एक महीने बाद ही पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम में पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर पति ने कहा, जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल रेलवे में टीटी रहे, सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया है, अटैची को सांकल से बांध कर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिरहाने रखते हैं, कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया है और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है, टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल कर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज़ का कैसेट लगाते हैं, मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी ज़िंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट आधे दामों में बेच आए हैं और बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया है, उसकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है का पोस्टर लगवा दिया है। एक रात इनके पास आकर बैठी इन्होंने पांव मोड़े और कहा, आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है पर आपसे क्या छिपाना है, इन्होंने जो मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा से खिसकाई, ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं, चोरी करते शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे, उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया? इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया, छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार कर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया, और तो और उसे चालू करने का विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकाल कर पंखा घुमाते हैं।
सुबह मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ, तो रोकते हैं। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है, घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? हम यही सोचकर डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए, हाय इनके साथ कैसे रहा जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये दर्द इतना प्यारा क्यों है। आखिर ये एक प्यार करने वाली पत्नी का दर्द जो है। तो बस आप भी रखिए अपने प्यार करने वाले का ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।